50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, एक का मत। और राज्य पुनर्रचना लोग आए, लोगों से मिले, लोग प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत से विधानसभा सदस्य तक लोक प्रतिनिधि क्या क्या बात कहते हैं विचार करेंगे, उसके अनुसार अपना निर्णय देंगे। उसमें उस वैसे के वैसे उसको स्वीकारना या उसमें कोई परिवर्तन करना ये केंद्र सरकार तय करेगी। साधारणतः 3 करोड़ का राज्य, अनेक राज्य ऐसे, आसाम है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, ये 2.5-3 करोड़ के आसपास के है और अच्छे चल रहे हैं, अच्छा विकास उनका हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि छोटे राज्य होना ये लोगों के विकास के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, राजधानी में लोग आसानी से जाएं, हाईकोर्ट में आसानी से जाएं, इसके लिए इसकी आवश्यकता है। और वो पूरी होगी तो उसके कारण भारत के टुकड़े नहीं होंगे, भारत में ही रहने वाले, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले, भारत में ही रहेंगे। और जैसा मैं फिर से दोहराता हूँ कि एक राज्य की एक भाषा का एक राज्य, एक परिकल्पना या संकल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषी का एक राज्य किया तो हरियाणा से लेकर बिहार तक एक राज्य हो जाएगा। अब तेलुगु, आंध्र के दो हिस्से हो गए, तेलंगाना और आंध्र, दोनों की तेलुगु भाषा ही है। तो महाराष्ट्र के मान लीजिए कि 3 या विभाग या 4 विभाग हो गए, मैं टुकड़े नहीं कहता, 4 विभाग हो गए राज्य व्यवस्था की दृष्टि से, तो सबकी भाषा मराठी होने वाली है, मराठी की उपेक्षा होगी या मराठी की अवनति होगी ऐसा मुझे लगता नहीं। मैं महाराष्ट्र के 4 टुकड़े करने चाहिए ऐसी बात मैंने कही नहीं। महाराष्ट्र के कितने विभाग होने चाहिए मैं टुकड़े ने, ये राज्य व्यवस्था के दृष्टि से होना चाहिए। और उसके लिए नया राज्य पुनर्रचना आयोग की निर्मिति होनी चाहिए, वो तय करेगा।